क्योंकि सब ने बहुत शोर डाला भाई कि पाकिस्तान को ये कह दिया स्टीवन ने स्टीवन के दस नुकात सामने आ गए और उसने बहुत इल्ज़मा लगा दिए बहुत आन लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के ऊपर और बहुत गु़स्सा आ रहे लोगों को ठीक है तो आई वॉन्ट टू आस्क बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं बट आई सीरियसली वॉन्ट टू आस्क कि उसने गलत क्या कहा है उसने क्या झूठ कहा है एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेंगे अगर करना चाहते हैं आप लोग तो मेरा तो दस साल का जो तजर्बा है उसके अंदर मैं खुद ऐसे बहुत सी चीज़ों से मिली और करी जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं वही लोगों को मैसेज आ रहा है ना और फिर किसी भी काम को करने के दो अप्रोचेस होते हैं सो लेट्स एक कहानी सुनाती हूँ एक दफ़ा मेरा भाई छोटा था ठीक है और वो मेरी अम्मा के साथ बाजार चला गया क्या हुआ कि उसने एक छोटी सी नमकदानी उठा ली और नमकदानी उठाने के बाद वो घर आ गया मार्केट से पुराने ज़माने से सो नेचुरली दे वर नॉट वेरी रिच पैदल आ रहे हैं और इतना सफ़र करके जब कमर्शियल मार्केट से वो सेटलाइट टाउन अपने घर पहुँचे एट दैट टाइम मेरी वालदा ने भाई को चेंज करना है तीन चार साल का है तो उसको चेंज करते हुए शी रियलाइज़ कि इसकी पॉकेट में कोई चीज़ है नमकदानी छोटी सी थी बिल्कुल ठीक है और कोई क्यूट सी थिंग थी एंड क्या हुआ भला अम्मा ने वो लिया भाई को साथ ले वो ख़ुद भी जा सकती थी नेक्स्ट डे भी जा सकती थी बट शी डेंट स्टॉप फॉर अ सेकेंड उन्होंने वो लिया भाई को लिया एंड वो स्ट्रेट अवे वहाँ चली गई शॉपकीपर के पास वापस कमर्शियल मार्केट में और भाई को कहा कि तुम ये चीज़ इस बंदे की इसको वापस करो वापस ना करो ओनली अपोलोजाइज भी करो छोटा सा बच्चा था लेट गो भी कर सकती थी खुद भी दे सकती थी बट मकसद क्या था अब इस तरह की भी माएँ होती हैं जब उनको कोई कहते कि आपके बच्चे ने ये किया है या आपके बच्चे ने ये काम कर दिया है तो वो क्या कहती हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता आप झूठ बोल रहे हैं आप मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरा बेटा तो ऐसे नहीं कर सकता ऐसा होता है ना ऐसी माएँ भी मिलती हैं स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में या कहीं पर भी तो किसी भी चीज़ के दो अप्रोचेज़ होते हैं स्टेवन ने कहा पाकिस्तानी ये सब कर रहे हैं तो हमारा अगर ये अप्रोच होता कि हम उसको अब्ज़ॉर्ब करते अपने अंदर गलती ढूंढते उसकी असलाह की कोशिश करते तो हम ठीक हो जाते हम बेहतर हो जाते लेकिन हम इसलाह करना नहीं चाहते तो हमने क्या किया जो कि उस बेचारे को पहले ही पता था उसने कहा मुझे बहुत सारी बैश मिलेगी और वो क्या उसको मिली कि इसने ये कर दिया इसने वो कर दिया एंड अलॉट ऑफ बैक अगेंस्ट हिम इससे क्या होगा मैं किसी को साइड नहीं करी मैं आप लोगों के मतपथे की बात करूँ इससे क्या होगा जब हम मानेंगे कि हमारे अंदर गलती है तो हम उसे इस की कोशिश करेंगे जब हम मानेंगे ही नहीं और अगले बंदे को शटअप कॉल दे देंगे या ऑफेंस ले लेंगे तो फिर हम उसको फिक्स कैसे करेंगे और रही बात गलती की तो एक एक पॉइंट को अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहें तो मैं करने को तैयार हूँ मैंने अपने दस साल के सारे आईटी एक्सपीरियंस और कैरियर के अंदर बहुत से पाकिस्तानी ऐसे दिखे हैं जो बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं छूट बोल रहे हैं स्टील कर रहे हैं जुगाड़ कर रहे हैं अच्छे लोग भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना तो जाके वहाँ पे हमारा इंप्रेशन ऐसा बन रहा है मेरे अपने क्लाइंट्स और दोस्तों के साथ मेरे खुद साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ दस साल में मैं एक रिलायबल रिसोर्स कॉन्टेंट राइटर का आज तक हायर नहीं कर सकी दो तीन रिमोट रिसोर्स मैंने रखे जिसमें ट्रेविस हेरिक यू से खुद से खुद भी मौजूद था वरना क्या होता है हर बंदा कह देता है हाँ मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा बट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल को बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर का पता ही नहीं है ग्रामर के बेसिक रूल्स का इवन जो लोग कॉन्टेंट क्रिएटर्स कॉन्टेंट राइटर्स के तौर पर स्पीचेस दे रहे होते हैं इवेंट्स के ऊपर उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर में इतनी मिस्टेक्स होती हैं तो समन हुज़ क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट उसके अंदर इतनी मिस्टेक्स हैं तो एक बिगिनर में तो आप इमेजिन करें आप क्लेम ना ना करो आप कहो मैं एक बिगिनर हूँ तो ये सारी एजुकेशन मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत देने की कोशिश की है और बारहा देने की कोशिश की है बट नॉट जस्ट मी मैंने तो ये भी कोशिश की है कि हमारे जितने भी बाकी के इन्फ्लुंस हैं उनके साथ मैंने बात की है मल्टीपल टाइम्स टू नॉट मच अवेल दो हो बट कि हम ऐसा चीज़ें सेटअप करें हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं अपनी इंडस्ट्री का आ, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट अपनी चीज़ें नहीं सेट करेंगे तब तक ऐसे मामला बार बार होते रहेंगे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और हम इंडस्ट्री में से राइट और रॉन्ग को सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे गलत लोगों को सेपरेट आउट जो उसने कहा कि झूठ बोलते हैं और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ इट्स इन देयर कल्चर इट हिट मी यार और ये बात सच है ठीक है पाकिस्तान के अंदर हम लोगों की आदत है आदतन झूठ बोलते हैं आ, कोई वजह नहीं है बिला वजह कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ कार से उतरा मैंने फ़लाँ से ये कहा फ़लाँ ने मुझे ये कहा अपनी तरफ से नेम्स ड्रॉपिंग और उसमें झूठ भी बहुत ज़्यादा होता है बिला वजह झूठ कितने सारे झूठ हैं अक्सर लोगों का आपने ये कहते सुना होगा कि ये तो झूठ नहीं होता हमने अपनी मर्जी से डिफ़ाइन कर लिया कि झूठ क्या होता है क्या नहीं होता जो हमारे मतलब की बात है वो सच है चाहे वो झूठ हो तो बात को मैंने पलेट कर देना बात को चेंज कर देना झूठ ही होता है हम इसको कहते हैं ये तो झूठ नहीं होता ये तो चोरी नहीं होती हमने अपने ही मॉरल uh, स्टैंडर्ड्स बना तो जब तक हम किसी कॉम का किरदार ठीक नहीं करते हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते किसी पे उंगली उठाना इदारों पे या हुक्मरानों पे या चीज़ों पे इससे पहले आप अपने किरदार को झाँकें और बहुत दुख की बात है यार कि एक घोरे के लिए या किसी आउटसाइडर के लिए वो कह रहे हैं कि दे लाए और उसने ब्रैकेट में लगा आई अंडरस्टैंड इट्स देयर कल्चर साथ उसने कुछ भी लिखा हुआ कि दे कमिट समथिंग दे कैन नॉट डू आई अंडरस्टैंड इट्स देयर कल्चर मतलब वो इस बात को समझे कि कल्चरली इन हमारी जहन क्या आता है इंडिया का कल्चर क्या है म्यूज़िक उनका कल्चर है या डांस उनका कल्चर है या और चीज़ें उनका कल्चर किसी का क्या कल्चर पाकिस्तान का क्या कल्चर है झूठ बोलना मतलब शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए और हम सब के लिए और फिर हम उसके ऊपर ढीठ भी बने और अगले बंदे को बैकलैश भी करें ये तो और ज़्यादा और ज़्यादा गलत बात है और जब तक हम अपने अपने किरदार ठीक नहीं कर लेते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता किसी माशरे को तबाह करने के लिए यही काफ़ी है कि उसके अंदर किरदार ना हो किसी ने उसको क्या तबाह करने? वो खुद ही ख़ुद को तबाह कर लेगा हम आ, उसने लिखा है, और क्या लिखा उसने कैसी कमिटमेंट्स करते हैं जो ये पूरी नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसा करते हैं एंड जो भी बातें अगर आप कमेंट्स में मुझसे मजीद कोई डिस्कस करना चाहें तो आई एल भी हैप्पी टू डिस्कस क्योंकि मेरे साथ खुद भी हुआ है और मैंने भी बहुत रिसोर्सेज को हायर किया है एंड मैंने आपको बताया कि एवेंचुअली आई प्रेफर्ड हायरिंग वो रिसोर्स जो मुझे किसी बाहर के मुल्क से हायर करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे काम तो करके देंगे कम अज़ कम झूठ नहीं बोलेंगे लाई नहीं करेंगे स्टील नहीं करेंगे फ्री की बात हो रही है सही है वैसे तो अलमदिल्ला मेरी टीम तो बहुत अच्छी है अल्लाह ने बहुत बहुत अच्छे लोगों से हमेशा मुझे नवाजा है मेरी टीम को तो कडूस है हमेशा जिन भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है अल्लाह उनको बहुत खुश रखे आबाद रखे मैं किसी की बुराई नहीं करी बट uh, जो स्टीफन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी ठीक नहीं कह रही लेकिन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपके लिए इसमें से सबक लेने वाली और अमल करने वाली बात क्या थी और आपने किया क्या आई होप आई वॉज़ एबल टू मेक माई पॉइंट और